गुड मॉर्निंग बच्चों, विनायक स्कूल में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके दे रखा है समांतर श्रेणी, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, समांतर श्रेणी होता क्या है इसके बारे में सीखेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, 3, 7, 11, 15 ... ठीक है। और एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, 3, 5, 7, 9 और 13, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल दे दिया, इससे अपन सीखते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल देखिए, देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है, ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि सबके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, बताइए 3 और जो 7 है, तो क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटाना है। ऐसा नहीं है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, हमेशा अगले पद से पिछले पद को क्या है, घटाना है। तो 7 में से 3 गए तो कितने हैं, 4। इधर देखते हैं, 11 में से ये गए तो तब भी कितने हैं, 4। और 15 में से 11 गए तो भी कितना है, तो मेरे को बताइए इन सब के बीच का अंतर समान है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, समांतर श्रेणी। क्या हो गई, समांतर श्रेणी, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर देखते हैं, देखिए यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। तो बताइए अंतर अलग अलग हो गया, और जब अंतर अलग अलग होता है तो उसे समांतर श्रेणी नहीं होती है, समांतर श्रेणी नहीं है। बोलो बच्चों, समझ में आया, ठीक है। पहली बात तो सबसे पहले यही चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। आपने चेक कर लिया, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए ऊपर वाली समांतर श्रेणी थी, अब इसको करते कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए समांतर श्रेणी में जो पहली संख्या होगी, कोई भी कुछ भी लिखाओ, पहले सबसे पहला नंबर वो क्या होगा आपका, प्रथम पद। क्या होगा, प्रथम पद, और उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो ए का मान कितना आ गया, 3। कितना आ गया बच्चों, 3। बोलो आपको आया कि नहीं आया। अगला देखिए, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो इसका एक सूत्र होता है, इसे डी से कहते हैं, और इसका सूत्र होता है a2 - a1। क्या होता है, a2 - a1। अब a2 और a1 क्या है, तो देखिए a2 का मतलब होता है दूसरा पद, मतलब ये वाला, और a1 का मतलब होता है पहला वाला। तो देखिए दूसरा वाला पद कितना है, 7, पहला वाला पद कितना है, 3। तो 7 में से 3 गए तो बताओ बच्चों कितना है, 4। आए कि नहीं आए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, पद लिखना सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे बोल दिया A49 लिखिए, क्या लिखिए, A49। इसका मतलब होता है गुणनचासवा पद लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, A+48D। क्या लिखेंगे, A+48D, मतलब 48D। ध्यान रखना यहाँ पर जो है उससे एक कम डी आएगा। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया 100वां पद लिखिए, तो A+99D। आपको बोल दिया कि 35वां पद लिखिए, तो क्या आएगा, A+34D। आपको बोल दिया 49वां पद लिखिए, तो क्या आएगा, A+48D। ये जो पूरी की पूरी लिख रखे हैं, ये पद लिखना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है बच्चों। अब आपका सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अब अपन सवाल करते हैं जो आपकी किताब में दे रखे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी, ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 6, 9, 12, 15 ... और आपको ऐसे करा है, समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये चेक कीजिए समांतर श्रेणी है क्या। देखो इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का अंतर कितना है, 3। तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है। अब आपको हो रहा प्रथम पद, तो प्रथम पद जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा है, 6। तो प्रथम पद कितना आया, 6। फिर निकालना है आपको सार्वंतर, क्या निकालना है, सार्वंतर जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सार्वंतर का मैंने सूत्र बताया था, A2 - A1। तो मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है, 9, पहला पद कितना है, 6, तो सार्वंतर कितना आया, 3। बच्चों कितना आया, 3, ठीक है। इसी तरीके से अपन सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी करते हैं, आपको बताता हूँ। एक बार देखिए माइनस में ये आ गया, -7, -9, -11, -13। तो सबसे पहले आपको प्रथम पद लिखना है, क्या लिखना है, प्रथम पद, और जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मान कितना आया, -k। ये है कि नहीं है,
अब आता है सार्वंतर, क्या आता है सार्वंतर, और सार्वंतर क्या है डी, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। तो देखिए ए टू का मान कितना है माइनस के 9, फिर ये सूत्र वाला माइनस लगा दिया। अब ए वन का मान क्या है माइनस के 7, तो ध्यान से देखिए ये माइनस का 9 है और माइनस माइनस प्लस के 7, तो बताइए ये कितना आया माइनस के 2, कितना आया बच्चों माइनस के 2, बताइए आपको निकालना आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2। तो पहला पद तो कितना है 3/2। अब डी निकालना, तो डी का मैंने सूत्र बताया था ए टू माइनस ए वन। तो देखिए दूसरा पद कितना है 1/2, पहला पद कितना है 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए लघुत्तम क्या है समान है, तो ऊपर वाली संख्याओं का ऐसे के ऐसे रखते हैं, तो ये आया माइनस के 2/2। जब आपने इसको इससे काटा तो कितना आया माइनस का 1, कितना आया बच्चों माइनस का 1, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये और ये पद ही लें, आप इन दोनों में निकाल लीजिए, चाहे इन दोनों में निकालिए, लेकिन जिसमें भी आप सार्वंतर निकालेंगे ध्यान रखना वो पद हमेशा लगातार होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, लगातार, लगातार का मतलब है कंटिन्यू, जैसे ये दोनों, ये दोनों, वो दोनों, ऐसे नहीं कि पहला और लास्ट का निकाल लिया, इसका और इसका निकाल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पद लोगे तो आप क्या लोगे, बिल्कुल लगातार। अब उसके अंदर देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 - 2 - 5 - 8। तो पहला पद 1 है डी, तो माइनस के, सॉरी पहले सूत्र लगाते हैं अपन, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू का मान है माइनस के 2 - 1, तो कितना आया बच्चों माइनस का 3। यदि आपको कन्फ्यूजन है तो देखिए मैं अब इन दोनों के बीच में भी निकाल के बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं इधर निकाल देता हूँ, ए टू का मान है माइनस के 5 और ए वन का मान है माइनस, तो माइनस 2, तो माइनस के 5 प्लस के 2, तो बताइए कितना आया माइनस के। तो देखिए सबके बीच का अंतर क्या आ रहा है, बिल्कुल समान आ रहा है, तो ये पद क्या हो गए समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है, सॉरी आपने कहां तक कर लिए 4 तक, तो 5 और 6 देखते हैं, तीनों के तीनों सवाल खत्म करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये है 1 - 1, फिर है 1/4, फिर है 3/2 - तो सबसे पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है ए, और इसका मान कितना है माइनस का 1। फिर है सार्वंतर, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सूत्र भी बताया था, इसे कहते हैं डी, और इसका सूत्र होता है ए टू माइनस ए वन, ठीक है। अब देखिए ए टू का मान कितना है 1/4 माइनस, और फिर ए वन का मान क्या है माइनस का 1, तो इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए 1/4, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/1, इसका लघुत्तम लिया कितना आया 4, 4 का भाग 4 में एक बार गया, 1 को 1 से किया 1, प्लस 1 का भाग जब आप 4 के अंदर दोगे तो बताओ बच्चों कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को जब 1 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, तो आपके पास सार्वंतर कितना आया 5/4, कितना आया बच्चों 5/4, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, देखिए छठा क्वेश्चन आपको 3, 1 - 1 - 3 - तो सबसे पहले प्रथम पद जिसे ए कहते हैं और ए का मान कितना है 3, फिर निकालते हैं सार्वंतर, क्या निकालते हैं सार अंतर, और सार्वंतर को क्या कहते हैं डी, तो इसका सूत्र होता है ए टू माइनस ए वन,
देखिए a2 का मान कितना है, एक, माइनस a1 का मान कितना है, तीन। तो मेरे को बताइए, एक माइनस तीन हो गया, बड़ी संख्या क्या है, तीन, तीन में से एक गया तो दो। अब उसके आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो आंसर कितना आया, माइनस के दो। कितना आया बच्चों, माइनस के दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये सेवन्थ। सेवन्थ क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, तीन माइनस के दो माइनस के सात माइनस के बारह। तो प्रथम पद लिखना है सबसे पहले आपको, तो प्रथम पद a बराबर कितना है, तीन। फिर आपको सार्व अंतर लिखना है, तो सार्व अंतर d कैसे निकालते हैं, a2 टू माइनस ए वन। तो a2 का मान कितना है, माइनस के दो, माइनस ए वन का मान कितना है, तीन। तो ये आ गया माइनस के पाँच। कितना आ गया, माइनस के पाँच। तो ये क्या हो गया, इसका सार्व अंतर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको कभी कभी पूछ लेते हैं, अदरवाइज इन इनका जो रोल है, प्रथम पद और सार्वंतर का रोल जो है वो 5.2 और 5.3 जो है उन सवालों के अंदर इसका बहुत रोल है, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से समझिएगा, जिसमें आपको सार्वंतर निकालना आना चाहिए। मैंने आपको सब तरीके की सिखाए, प्लस वाले, माइनस वाले, बटा वाले, ठीक है, माइनस प्लस बटा वाले सब। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से उतारिए इनको जल्दी से। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हो तो उस श्रेणी के अगले चार पद ज्ञात कीजिए। मतलब आपको पहला पद दे रखा है, उसके अगले चार पद ज्ञात करने हैं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको सबसे सरल सवाल से बता रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा, फिर मैं आपको फर्स्ट से बताऊंगा। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा लेते हैं। तो देखिए ए का मान कितना है, 0.6, और डी का मान कितना है, 1.1। ये प्लस में है, आपको प्रथम पद रहेगा दूसरा पद, तो दूसरे पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस डी। तो ए का मान क्या है, 0.6, और इसका मान कितना है, 1.1। तो जब आपने इसको जोड़ा तो कितना आया, 1.7 आ गया। अब ए थ्री निकालते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए ए टू प्लस डी, मतलब इसको कहते कैसे, दूसरा प्लस डी। तो दूसरा पद कितना है, 1.7, और डी का मान कितना है, 1.1। जब आपने इसको जोड़ा तो कितना आया, 2.8। कितना आया बच्चों, 2.8। या फिर आप देखिए यहाँ से इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, तीसरा पद है a प्लस टू डी, तो a का मान है 0.6 प्लस 2 इंटू डी का मान है 1.1, तो 0.6 प्लस, जब इसको गुणा करोगे तो 2.2, तो ये भी कितना आया, 2.8। आया कि नहीं आया, तो ये दोनों जो तरीके हैं वो बिल्कुल राइट है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए चौथा पद देखिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए थ्री प्लस डी, तो ए थ्री का मान कितना है, 2.8, और डी का मान है 1.1, तो कितना आया, 3.9। कितना आया बच्चों, 3.9। दूसरा, दो, तीन, तीसरे पद हो गए। अब पाँचवा पद निकालते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे, ए फोर प्लस डी, तो चौथा पद क्या है, 3.9, और d का मान है 1.1। तो जब इसको जोड़ेंगे तो बताइए बच्चों कितना जाएगा, 5.0। तो आपके पास जो पद आए हैं अगले चार पद वो क्या है, 1.7, 2.8, 3.9 और 5। तो आप लिख सकते हैं किस तरीके से, 0.6, 1.7, ठीक है, 2.8, 3.9 और 5, डैश डैश डैश। इस तरीके से आपकी समांतर श्रेणी बन गई है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से बताता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, ये इसी का तीसरा क्वेश्चन था, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए का मान कितना दे रखा है, माइनस का एक। ठीक है, बच्चों को क्या है, डर कैसे लगता है, ये जो बटा में संख्याएं दिखती है ना, आधे बच्चे क्या होते हैं, इन्हीं से डर जाते हैं। ठीक है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए ए का मान है माइनस का एक, और डी का मान कितना दे रखा है, 1/2। तो आपको दूसरा पद निकालना है, उसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस डी। तो ए का मान है माइनस का एक प्लस 1/2, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आया, 2। एक का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को इससे किया तो माइनस के 2, इसका भाग इसमें 1, 1 को 1 से किया
तो ये आ गया माइनस के एक बटा दो। तो दूसरा पद कितना आया, माइनस के एक बटा। अब तीसरा पद निकालेंगे, तो मैंने बोला था दूसरा पद प्लस डी, तो बताइए दूसरा पद कितना है, माइनस के एक बटा दो, और डी का मान कितना है। तो मेरे को बताइए एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस के, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो। अब अपन निकालते हैं चौथा पद, तो ए थ्री प्लस डी, तो तीसरा पद क्या है, जीरो, और डी का मान कितना है, एक बटा दो। तो मैंने बोला था जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे तो हमेशा वही संख्या आती है, तो कितना आया, एक बटा दो। अब अपन निकालते हैं पाँचवा पद, तो पाँचवा पद कैसे निकालेंगे, चौथा पद प्लस डी, तो मेरे को बताइए चौथा पद कितना है, एक बटा दो, और डी का मान भी कितना है, एक बटा दो। दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, दो, तो इसका भाग जब इसमें देंगे एक बार, एक को एक से गुणा किया, एक प्लस एक, तो ये आ गया दो बटा दो, और जब आपने इसको इससे काटा तो कितना आया, एक। कितना आया, एक। तो देखिए बच्चों, ये आपके सामने मैंने चार पद निकाल दिए, पहला पद तो आपको दे रखा है, उसके बाद दूसरा पद आया माइनस के एक बटा दो, तीसरा पद आया जीरो, चौथा पद आया एक बटा दो, और पांचवा पद कितना आया, एक। तो देखिए बच्चों कितना सरल था, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, दूसरा आपको क्या कह रहा है, पढ़िए। आपको दे रखा है कि ए का मान है एक बटा तीन, और डी का मान कितना है, चार बटा तीन, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो देखिए ए बराबर एक बटा तीन और डी बराबर चार बटा तीन, तो आपको दूसरा पद निकालना है। दूसरे पद का सूत्र क्या आता है, ए प्लस डी, तो ए का मान एक बटा तीन, डी का मान चार बटा तीन। तो मैंने कहा था जब नीचे जो हर होता है वो समान होता है तो उसका लघुत्तम वही आता है। जब आपने इसका भाग इसमें दिया, एक बार गया, एक को एक से किया, एक, तीन का भाग तीन में एक बार जाता है और इसको चार से किया, तो ये कितना आ गया, पाँच बटा तीन। कितना आ गया, पाँच बटा तीन, ठीक है बच्चों। अब तीसरा पद निकालते हैं, तो तीसरा पद कैसे निकालते हैं, दूसरा पद प्लस डी, तो दूसरा पद कितना है, पाँच बटा तीन। आपके पास डी का मान कितना है, चार बटा तीन। कितना है, चार बटा तीन, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका लघुत्तम कितना आएगा, तीन। तो मैंने कहा था जब नीचे समान संख्या आए तो ऊपर वाली संख्याओं को यदि प्लस है तो जोड़ दे, और यदि घटाने का निशान हो तो उसे घटा दे। तो कितना आया, तीन। कितना आया बच्चों, तीन, ठीक है। अब निकालते हैं अपन चौथा पद, तो चौथे पद का सूत्र क्या होगा, तीसरा पद प्लस डी, तो तीसरा पद कितना है, तीन, और डी का मान आपको कितना दे रखा है, चार बटा तीन। तो इसका लघुत्तम कितना आया, तीन। अब देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग हैं, तो एक का भाग जब तीन में दिया तीन बार, तीन को तीन से किया तो नौ, तीन का भाग तीन में एक बार इससे किया तो चार, तो ये कितना आ गया, तेरह बटा तीन, तो चौथा पद हो गया। अब देखिए ये देखिए मैंने सेपरेट कर दिया जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा पद कौन सा है। अब अपन निकालते हैं पांचवा पद, कौन सा पद निकालते हैं, पांचवा पद, तो इसको कैसे करेंगे, चौथा पद प्लस डी, तो चौथा पद कितना है, तेरह बटा तीन, और डी का मान आपको कितना दे रखा है, चार बटा, तो देखिए इसका लघुत्तम तीन ही आएगा तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया, सत्रह बटा तीन। कितना हो गया, सत्रह बटा तीन। तो बताइए बच्चों, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करने हैं इन क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस जो है इसके अंदर वो बिल्कुल सरल है, ठीक है, सिर्फ आपको सीखना है कि किस तरीके से इनको करना है। मैं आपको एक सवाल दूंगा, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्योंकि मैंने थर्ड पहले करा दिया था। ए का मान चार है, डी का मान कितना है, माइनस के तीन, तो दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, तो चार प्लस माइनस के तीन, तो ये हो गया चार माइनस तीन, कितना आया, एक। तीसरा पद क्या होता है, ए टू प्लस डी, तो ए टू का मान कितना है, एक प्लस माइनस के तीन, तो ये हो गया एक माइनस तीन, तो ये आया माइनस के। चौथा पद क्या होगा, तीसरा पद प्लस डी, तो तीसरा पद कितना है, माइनस के दो, फिर डी का मान देखिए कितना है, माइनस के, तो माइनस के दो माइनस के तीन, तो कितना है, माइनस के पाँच। पाँचवा पद देखिए, तो चौथा पद प्लस डी, तो चौथा पद कितना है, माइनस के पाँच। फिर आप देखिए डी का मान कितना है,
डी का मान है माइनस के 3। तो देखिए माइनस के 5 माइनस के 3 तो कितना आया माइनस के 8। तो आपके पास कौन कौन से पद आए, 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 8। ठीक है, आप जब इनके बीच का अंतर देखेंगे तो सभी के बीच का अंतर क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि a बराबर कितना है 11, कितना है 11, और d बराबर कितना है माइनस के 4। तो देखिए दूसरा पद, तो इसका सूत्र होता है a प्लस d, तो 11 प्लस माइनस के 4, तो देखो 11 प्लस माइनस माइनस के, तो ये कितने हो गए, ये हो गया आपके पास 7। फिर अपन निकालेंगे तीसरा पद, तो ये होता है दूसरा पद प्लस d, तो दूसरा पद कितना है 7 प्लस माइनस के 4, तो ये हो गया 7 माइनस 4, तो कितना आया बेटा 3, कितना आया। अब निकालते हैं अपन चौथा पद, तो ये हो जाएगा तीसरा पद प्लस d, तो तीसरा पद कितना है 3 प्लस माइनस के, तो 3 ये हो गया माइनस के, तो ये हो गया माइनस के 1, कितना हुआ माइनस के। पांचवा पद, तो चौथा पद प्लस d, तो चौथा पद कितना है माइनस का 1 प्लस d का मान है माइनस के 3 ही है ना, सॉरी माइनस के 4, तो देखिए माइनस का 1 माइनस के 4, तो कितना है माइनस के 5, कितना है बच्चों माइनस के 5। ठीक है, जल्दी से उतारिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको। देखिए बच्चों ये मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, इसको इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि यदि ये आपको अच्छी तरीके से आ गया तो फिर आगे वाली जो प्रश्नावली है इसकी, उसमें जो सभी क्वेश्चंस हैं वो आपको इजीली आ जाएंगे। तो जैसे ए का मान है 1.25 और डी का मान है माइनस के 0.25, ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ पर भी माइनस है। तो दूसरा पद ए प्लस डी, तो ए का मान है माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25, तो देखिए माइनस 1.25 माइनस 0.25, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.50, कितना हो जाएगा माइनस का 1.50। तीसरा पद कैसे निकालते हैं, दूसरा पद प्लस डी, तो दूसरा पद है माइनस का पॉइंट सॉरी माइनस का 1.50 प्लस माइनस 0.25, तो जब आपने इसको जोड़ा तो माइनस का 1.75, कितना है बच्चों माइनस का 1.75। चौथा पद निकालते हैं, तो तीसरा पद प्लस डी, तो तीसरा पद है माइनस का 1.75 प्लस माइनस 0.25, तो जब आपने इसको जोड़ा तो कितना है माइनस के 2, कितना है माइनस के 2। पाँचवा पद देखते हैं, तो चौथा पद प्लस डी, तो चौथा पद कितना है माइनस के 2 प्लस माइनस के 0.25, तो ये हो गया माइनस के 2.25, कितना हो गया माइनस के 2.25। ठीक है बच्चों, ये सवाल थे 6 तक। अब जो ये लास्ट वाला सवाल है, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, और आपको सभी को इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वो टाइप करके आपको लिखना है। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे इसी के बाद इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, थैंक यू।